गोस्वामी हेमाली, आई एम योर हिंदी टीचर। तो किड्स, हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो हमने देख लिया है। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या था? प्रार्थना। हमने प्रार्थना भी देख ली है, उसके शब्दार्थ और हमारे क्वेश्चन आंसर जो मैंने आप लोगों को CW में लिखने के लिए दिए थे, तो आप लोगों ने वो लिख भी लिए होंगे और मैंने एक्सप्लेन किया है तो आप लोगों को वो समझ में भी आ गए होंगे। तो नाउ स्टूडेंट, अब हम हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। सुनिए ना सभी को। बच्चों, आप लोगों को गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ के जीवन की बात मैं अभी बताना चाहती हूँ। कपिलवस्तु नाम का एक नगर था, वहां पर ये सिद्धार्थ था, उनका जन्म हुआ था। उनकी माता थी वो, तो वो जब वो छोटे थे तभी वो गुजर गई थी। तो उसकी जो दूसरी, उसके पिता की जो दूसरी पत्नी थी गौतमी, उसी ने उसको बड़ा किया, तभी से उसको गौतम भी कहा जाता है। जो सिद्धार्थ है उसको उसकी माता के नाम से गौतम भी कहा जाता है। तो वो जब छोटे थे तभी उसके लिए एक साधु महाराज ने कहा था कि ये बहुत ही ज्ञानी होगे और बहुत ही एकदम नॉर्मल स्वभाव के होगे, कि जिसकी वजह से वो सबको सबको अपनी दया भावना में रखेंगे। तो फिर वो जब धीरे धीरे बड़े होते गए और फिर एक दिन उसने उन्होंने क्या किया कि वो उसके पिता थे उसको कहीं बाहर नहीं जाने देते थे, क्योंकि उसका जो स्वभाव था वो एकदम भाव विभोर वाला था, वो सभी की भावनाओं में बह जाते थे। तो उसके पिता थे उन्होंने क्या किया था कि एक पूरा ऐसा राजमहल बनाया था कि उसकी सारी चीजें सब कुछ वहां पर हो। तो फिर एक दिन सिद्धार्थ ने सोचा कि क्यों ना मैं आज नगर में घूमने जाऊं। तो उसको साथी को लेके नगर में घूमने जाते हैं और और फिर वो देखते हैं कि रास्ते में एक बीमार आदमी है और खांसी और बहुत एकदम वेदना से वो तड़प रहा है, पीड़ा से तड़प रहा है। तो फिर वो, उसने तो कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं है क्योंकि उसके पिता है वो उसे ऐसे ऐसे माहौल में रहने ही नहीं देते थे। तो उसने तो देखा कि ये क्या है, ये क्या हुआ है, और उसने अपने साथी से पूछा कि ये सब क्या है, कि ये एक ऐसी बीमारी है, ये सब क्या है। तो फिर वो साथी ने कहा कि ये बीमारी है और जो लोग होते हैं उसको हम जो जन्म लेते हैं तो हम बीमार भी होते हैं। तो फिर वो तो उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही थी और वो धीरे धीरे आगे गए, धीरे धीरे आगे गए तो उसको एक बूढ़ा आदमी मिला। तो वो तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वो तो एकदम झुक के चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था। तो फिर उन्होंने फिर वापस साथी से पूछा कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये तो एक बूढ़ा आदमी है, जब हम जन्म लेते हैं धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर हम एक दिन बूढ़े हो जाते हैं। फिर भी उसके मन में बहुत सारी बातें चलने लगी और वो तो धीरे धीरे आगे गए। फिर उन्होंने देखा कि एक आदमी जो एक कोई मरा हुआ है और सब उसको कंधे पे लेके जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने ये पूछा साथी से कि ये क्या है, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। तो फिर जो साथी था उसने कहा कि ये तो एक जो आदमी है जो मर गया है और उसको चिता जलाने के लिए ले जा रहा है। तो उन्होंने कहा साथी ने कि जो जन्म लेता है वो तो मरता है। फिर जो सिद्धार्थ थे उसके मन में तो बहुत सारी बातें चल रही थी और वो तो धीरे धीरे अपने राजमहल में आ गए और उसको कहीं भी चैन नहीं था। उसको तो बहुत ही मन में दर्द हो रहा था, ये क्या है, दर्द, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये सब क्या है, तो हमारे जीवन का क्या महत्व है। उसके मन में इतनी सारी बातें हो रही थी कि उसको नींद भी नहीं आती थी। फिर उन्होंने एक दिन ऐसा किया कि रात को एकदम देर रात से वो अपना राजमहल छोड़ के जंगल में चले गए और देखने की, सोचने की, समझने कि मैं क्या करूं, कि जो हमारा पूरा जीवन है, हमें जो जीवन दिया है वो क्या है, हमने जन्म लिया है तो मरना ही है, तो फिर हम हमारे इस जीवन पर क्या करें। और वो सारी बातें सोचते सोचते वो तो जंगल में चले गए और अपने आद्य शक्ति में बैठ गए और ज्ञान प्राप्त करने बैठ गए, तप करने लगे। और वो धीरे धीरे फिर उसके साथ अपने शिष्यों के साथ और धीरे धीरे हमें पता है कि वो क्या बन गए, भगवान
बुद्ध बन गए। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर 2 है, सच्चा न्याय। सच्चा न्याय है वो सिद्धार्थ के पुत्र राहुल के बारे में स्टोरी है, तो आज हम लोग वे करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को शब्दार्थ यहाँ पर समझा देती हूँ, क्योंकि शब्दार्थ अगर बीच बीच में आएंगे तो शब्दार्थ अगर हमें पता होगे मीनिंग, तो ही हमें उसका अर्थ मालूम होगा कि ये सेंटेंस हमें क्या कहना चाहते हैं। तो फर्स्ट है हट। हट यानी कि जिद, हम जो जिद करते हैं उसको कहते हैं हट। हट यानी कि जिद। फिर है रुचिकर। रुचिकर यानी कि प्रिय, जो हमें चीजें अच्छी लगती है वो कैसे लगता है, रुचि, उसमें हमें रुचि है, इंटरेस्ट है, यानी कि रुचिकर। रुचिकर यानी कि प्रिय। फिर है तात। तात यानी कि पिता, फादर, हमारे पापा होते हैं उसको तात कहते हैं, क्या कहते हैं, तात। फिर है भ्रमण। भ्रमण यानी कि घूमना, हम जब घूमते हैं उसको कहते हैं भ्रमण, भ्रमण करना। हट यानी कि जीव, रुचिकर यानी कि प्रिय, तात यानी कि पिता, और भ्रमण यानी कि घूमना। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। अब स्टूडेंट मैं हमारा लेसन है वो स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोगों को मेरे साथ साथ वो रीड करते जाना है, अपनी बुक निकाल के रखनी है, और मैं जो जो लाइन पढ़ रही हूँ आप लोगों को देखते जाना है। पहले हम रीड करेंगे और फिर मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन करूंगी। तो स्टूडेंट नाउ चैप्टर 2 पेज नंबर 11 चैप्टर 2 सच्चा न्याय। यशोधरा अपने कक्ष में बैठी थी, उनका पुत्र राहुल आकर उनकी गोद में बैठ गया। यशोधरा सिद्धार्थ की पत्नी थी और उसका बेटा था, उसका नाम था क्या था, राहुल। वो अपने कक्ष में बैठी थी और उनका जो बेटा था ना राहुल, वो उसकी गोद में आके बैठ गया। जैसे हम भी अपनी मम्मी के गोद में कैसे बैठ जाते हैं, वैसे वो तो अपनी माँ की गोद में बैठ गया राहुल। अब राहुल है वो बोल रहा है, माँ मुझे कहानी सुनाइए ना। राहुल क्या कह रहा है, माँ मुझे कहानी सुनाइए ना। हम भी कहते हैं ना हमारे मम्मी से या दादा से दादी से कि हमें कहानी सुनाओ, कोई ऐसी बात है जो आप मुझे सुनाओ। तो राहुल कहता है अपनी माँ की गोद में बैठ के कि माँ मुझे एक कहानी सुनाइए ना। यशोधरा भी है, यशोधरा बोलती है, पुत्र इस समय तो कहानी नहीं सुना सकती, मुझे अपना कार्य पूरा करने दो। यशोधरा क्या है, वो कहती है कि अभी मैं तुम्हें कहानी नहीं सुनाऊंगी, मुझे अपना कार्य पूरा करने दो। हमारे साथ भी ऐसा कभी होता है कि हमें जब कहानी सुननी है तो मम्मी कहती है कि नहीं अभी नहीं, रात को सुनाऊंगी, दोपहर को सुनाऊंगी, अभी तो मुझे काम है, होता है ना सभी के साथ। तो यस, राहुल के साथ भी ऐसा ही हुआ। राहुल ने क्या कहा कि माँ मुझे कहानी सुनाए, पर उसकी माँ ने कहा क्या कहा कि मुझे अभी कार्य करना है। राहुल नहीं माँ मैं तो अभी ही कहानी सुनूंगा। राहुल ने क्या कहा, नहीं माँ मैं तो अभी कहानी सुनूंगा। राहुल तो जिद करने लगा कि नहीं माँ मुझे तो अभी ही कहानी सुननी है। यशोधरा, राहुल हट मत करो, राहुल हट मत करो। हट यानी कि क्या था, जिद। तो राहुल कहता है और यशोधरा कहती है राहुल से कि राहुल जिद मत करो, इस समय तो मुझे कोई कहानी ध्यान में ही नहीं आ रही। राहुल की माँ है जो यशोधरा, वो क्या कहती है कि मुझे अभी तो कोई कहानी याद नहीं है, तुम जिद मत करो, मुझे अभी कोई कहानी याद नहीं है। तो राहुल कहता है पर मेरा मन कहानी सुनने को कर रहा है। पर राहुल है वो तो क्या कर रहा था, जिद कर रहा था, उसको तो कहानी सुननी ही थी। तो वो तो अपनी माता से कहता ही है कि नहीं मुझे तो अभी ही कहानी सुननी है। उसकी माता उसको कहती है कि अभी मुझे कोई कहानी याद नहीं है, मुझे कार्य करना है। पर राहुल तो जिद करता है, हट करता है और कहता है कि नहीं मुझे तो अभी ही कहानी सुननी है, सुनाइए ना माँ कोई भी कहानी। और फिर वो ऐसा कहता है कि कोई भी कहानी मुझे सुनाइए ना। यशोधरा कहती है ठीक है, मैं आपके पिताजी, यानी कि ब्रैकेट में लिखा है सिद्धार्थ, ठीक है मैं आपके पिताजी के जीवन में घटित एक घटना के बारे में बताती हूँ। यशोधरा है वो क्या कहती है राहुल से कि ठीक है मैं तो आपको अपने पिता के
उसके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। उसके ही जीवन में घटित घटित यानी कि उसके जीवन में एक घटना जो घट चुकी है वो घटी हुई कहानी ही आपको सुनाती हूँ, और जो किसी कहानी से कम रुचिकर नहीं है। रुचिकर यानी कि प्रिय। ऐसा लगता है कि कोई हम शेर की कहानी या कोई जंगल की कहानी सुने, और इससे भी अच्छी कहानी हमारे घर में कोई फैमिली मेंबर के साथ होती है तो वो भी हमारे लिए कैसी होती है? रुचिकर होती है। कैसी होती है? प्रिय होती है। कि हमारे घर में भी ऐसा हुआ था तो ये मेरे लिए ये बात कैसी है? प्रिय है। जो कहानी से भी हमें सुनने में कैसी लगती है? अच्छी लगती है। तो ये उसकी माता ने क्या कहा उसे कि तुम्हें कहानी से भी एक अच्छी रुचिकर नहीं है, किसी कहानी से कम रुचिकर नहीं, यानी कि ये कहानी से भी अच्छी है। कौन सी बात? उसके पिता के जीवन में एक घटी हुई बात। फिर राहुल कहा, अच्छा माँ यही कहानी सुनाइए। राहुल को तो कहानी सुननी ही थी, उसने तो जिद पकड़ ही ली थी कि उसको कहानी सुननी है। और फिर राहुल माता ने कहा कि चलो मैं वो अपने पिता के बारे में सुनाती हूँ। तो और वो तो उसके पिता के बारे में तो वो तो एकदम से तैयार हो गए कि हाँ माँ मैं तो वही सुनूंगा। यशोधरा कहती है, अब जब आपके तात छोटे थे, जब आपके तात छोटे थे, तात यानी कि क्या होगा? पिता। यानी कि जब आपके पिता छोटे थे तब एक दिन वे उपवन में भ्रमण के लिए गए। उपवन यानी कि क्या होगा? बगीचा। उपवन यानी कि बगीचा, गार्डन। जब आपके पिताजी छोटे थे वे उपवन में भ्रमण के लिए गए। भ्रमण यानी कि घूमना। भ्रमण यानी कि क्या था? घूमना। तो जब आपके पिताजी छोटे थे तब वो घूमने के लिए गए। कहाँ गए घूमने के लिए? बाग में, बगीचे में। ओके, नाउ पेज नंबर 12। सबसे पहले है प्रातः काल। क्या है प्रातः काल? प्रातः काल का मीनिंग होता है सुबह। प्रातः काल का मीनिंग क्या होगा? सुबह। और आकर्षित, आकर्षित का मीनिंग क्या होगा? अपनी ओर खींचना। चलो पेज नंबर 12। क्या कहा था उसने कि एक दिन तुम्हारे पिता जब छोटे थे तो वो उपवन में यानी कि बगीचे में भ्रमण करने गए थे, यानी कि घूमने गए थे। प्रातः काल का दृश्य मन को आकर्षित कर रहा था। प्रातः काल का यानी कि सुबह का, एकदम सुबह का दृश्य मन को आकर्षित कर रहा था। आकर्षित यानी कि क्या? हमें जिसकी ओर खींचे, हमको हमारे मन को जो अच्छा लगे। तो सुबह का दृश्य हमें भी पता है, हम जब जल्दी जल्दी सुबह उठते हैं तो कैसा होता है माहौल? एकदम सुहाना और अच्छा मौसम होता है ना। और खासकर अभी तो मॉनसून सीजन चल रही है तो कैसा होता है मौसम? एकदम मस्त। प्रातः काल का दृश्य मन को आकर्षित कर रहा था, उसके मन को सुबह का ये जो मौसम था बहुत अच्छा लग रहा था। सूर्य की सुनहरी किरणें चारों ओर फैल गई थी। सुबह ही क्या हुआ, पूरा जो माहौल था वो तो बहुत सुंदर था। और सूर्य की सुनहरी किरणें, सूर्य की जो गोल्डन सोने सुनहरी किरणें होती है ना, वो कैसे लग रही थी? चारों तरफ फैल गई थी। एकदम माहौल सुंदर था और ऊपर से सूर्य की किरणें थी वो एकदम सुंदर तरीके से वहां पर फैली हुई थी। फिर राहुल ने कहा, उद्यान में तो फूल भी खिले होंगे ना माँ? उद्यान में तो फूल भी खिले होंगे ना माँ? उसकी माता है उसको कहानी बता रही थी, और राहुल था वो बीच बीच में बोले जा रहा था कि माँ उद्यान में तो बहुत फूल भी खिले होंगे। उद्यान यानी कि क्या होगा? यस, बाग, बगीचा। ओके, उपवन था एक उपवन, और ये दूसरा वर्ड है उद्यान। उद्यान में उसने कहा कि बहुत फूल भी खिले होंगे। हमें भी पता है कि जो बाग होते हैं उसमें सुंदर सुंदर फूल भी होते हैं। तो फिर राहुल तो बीच में बोला कि हाँ माँ बाग में उद्यान में तो बहुत फूल भी खिले होंगे ना। यशोधरा, हाँ हाँ उनकी सुगंध चारों ओर फैल रही थी। हाँ हाँ उनकी सुगंध चारों ओर फैल रही थी। यशोधरा ने फिर क्या कहा कि हाँ फूल खिले थे और उसकी जो सुगंध होती है, उसकी जो महक होती है, वो पूरे बाग में फैली हुई थी। अगर हम भी कभी बाग में जाएंगे तो वहां पर भी सारी चारों ओर सुगंध होती है ना।
पक्षी चहचहा रहे थे, नदी का कलकल स्वर सुनाई दे रहा था। पक्षी चहचहा रहे थे, खासकर सुबह में। सुबह में एटमॉस्फेयर हमारा जो वातावरण होता है वो कैसा होता है, एकदम शांत होता है, इसीलिए हमें सुबह सुबह पक्षी की आवाज साफ सुनाई देती है। तो पक्षी है वो सारे चारों ओर चहचहा रहे थे और यानी कि आवाज कर रहे थे, वो सब कुछ सुनाई दे रहा था। बाग में चारों ओर फूलों की महका रहे थे फूल, और नदी का कलकल स्वर सुनाई दे रहा था। नदी होती है तो नदी के पानी की आवाज वहां पर आती है, तो वो भी नदी की जो आवाज होती है उसको कहते हैं कलकल। क्या कहते हैं? कलकल। तो नदी की जो आवाज थी कलकल, वो भी एकदम मस्त सुनाई दे रही थी। सुबह का मौसम था और सुबह का और एकदम सब कुछ शांत था, इसलिए पक्षी की आवाज और नदियों का कलकल आवाज वो सब कुछ सुनाई दे रहा था। फिर राहुल ने वापस वो तो बीच में बोला, माँ मुझे भी फूलों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। वो तो क्या कहता है, वो तो छोटा सा है, तो वो क्या कहता है कि माँ मुझे तो फूलों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। हम सबको भी फूलों की महक बहुत अच्छी लगती है ना। यशोधरा, अब यशोधरा वापस बोलती है, ऐसे सुखद समय में एक दुखद घटना घटी। अब यशोधरा क्या कहती है, एकदम इतना अच्छा वातावरण था, सुबह सुबह सूरज की किरणें सुनहरी दिखाई दे रही थी, फूल महक रहे थे, नदियां का पानी जो कलकल बह रहा था उसकी आवाज आ रही थी, पक्षी चहचहाते थे, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था। पर वहां पर एक दुर्घटना घटी, दुखद घटना। दुखद घटना यानी कि हमें जिसकी बात सुन के हम दुखी हो जाए, हमारा मन दुखी हो जाए, ऐसी घटना घटी। फिर राहुल ने कहा, क्या हुआ माँ जल्दी बताइए ना। राहुल ने क्या कहा, क्या हुआ माँ जल्दी बताइए ना। तो ये सारी बातें राहुल और यशोधरा यानी कि उसकी माता के बीच हुई। स्टूडेंट, आज का जो हमारा सेशन है हम यहाँ तक ही रखेंगे। फिर राहुल ने क्या कहा, उसकी माता ने क्या कहा और आगे क्या हुआ, वो अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। पहले एक बार हम रिवाइज कर ले क्या क्या बात हुई थी। सबसे पहले तो सिद्धार्थ का बेटा राहुल और उसकी पत्नी, सिद्धार्थ की पत्नी कौन थी, यशोधरा। यशोधरा जो राहुल की माता थी, और राहुल आता है और उसकी माँ की गोद में बैठ जाता है और फिर क्या करता है, जिद करता है, हट करता है कि उसे कहानी सुननी है। और फिर यशोधरा है वो उन्हें कहानी सुनाती है और क्या कहती है कि चलो आज तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी की ही घटना सुनाऊंगी, जो कैसी है कोई कहानी से कम नहीं है। और फिर वो कहानी स्टार्ट करती है कि जब उसके पिता छोटे थे तब वो कहाँ गए थे, उद्यान में या तो उपवन में। वहां पर क्या क्या था, फूल खिले हुए थे और फूल की क्या आ रही थी, महक आ रही थी, सुगंध फैल चारों ओर फैल रही थी, सूरज की किरणें सुनहरी दिखाई दे रही थी, और फिर नदी का पानी कलकल बहता था वो भी सुनाई दे रहा था, और इतना अच्छा मौसम था। और क्या हुआ, एक दुखद घटना बनी। तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट सेशन में हम हमारा आगे का ये पार्ट देखेंगे। और स्टूडेंट, इसी के साथ मैंने आप लोगों को एक वर्कशीट भी दी है। वर्कशीट में आप लोगों को ये शब्दार्थ लिखने हैं और ब्लैंक्स होगी, जो आप लोगों को ये मैंने जो पूरा लेसन लिया अभी का वो सेशन में से आप लोगों को समझना है, वो ब्लैंक्स है वो आप लोगों को कंप्लीट करनी है। तो थैंक यू बच्चों।